बॉलीवुड में कितने ही न्यूकमर्स आए जिन्हें सबसे पहला ब्रेक सलमान खान ने दिया और अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है और वो है एकता कपूर की नई लीड एक्ट्रेस योगिता बिहानी का। जी हाँ, खुद योगिता ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें इंडस्ट्री में काम दिलाने के लिए सलमान खान ने उनकी मदद की है। दरअसल ये सारी बात योगिता ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कही है। अब सुनिए कैसे सलमान योगिता के गॉडफादर बनी, इसकी पूरी कहानी। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक योगिता ने सलमान खान की होम प्रोडक्शन फिल्म लवरात्रि के लिए ऑडिशन दिया था और न केवल ऑडिशन बल्कि वो उन कुछ टॉप लड़कियों में भी शामिल थी जिनमें से फिल्म की लीड एक्ट्रेस को फाइनल करना था, बट अनफॉर्चुनेटली योगिता फिल्म के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। हालांकि योगिता ने खुद ये बात बताई है कि सलमान को वो पहली नजर में काफी पसंद आ गई थी। योगिता ने कहा है, सलमान ने मुझे कहा था कि मेरा चेहरा अच्छा है और मुझे जल्द ही कुछ काम मिलेगा और देखिए मुझे काम मिल ही गया। आगे योगिता कहती है, मैं इस बात से सबसे ज्यादा खुश हूँ कि सलमान को मेरा ऑडिशन याद रहा और उन्होंने दिल ही तो है के लिए मुझे रेफर किया। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दें कि योगिता सलमान खान के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। वो सलमान के शो 10 कदम के प्रोमो में नजर आ चुकी हैं। पर अगर बात करें सीरियल दिल ही तो है की, तो शो का पहला प्रोमो हाल ही में रिलीज हुआ है। शो 11 जून से ऑन एयर होगा। ये कहानी एक रिच फैमिली की है जिसमें योगिता के साथ लीड पेयर में एक्टर करण कुंद्रा होंगे। और जहाँ तक बात है सलमान की, तो हम आपको बता दें कि सलमान नए एक्टर्स को लॉन्च करने के लिए खूब जाने जाते हैं। सलमान खान भले ही योगिता को अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म लवरात्रि में ना ले पाए हों, लेकिन उन्होंने टीवी क्वीन एकता कपूर के लिए शो में योगिता को काम दिलाकर उनकी मदद जरूर कर दी है। अब इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।